Hello everyone, in this video we will see four questions mains level के है, लेकिन जो concept इसमें use होता है वो बड़े interesting है। मतलब ये questions confuse करने वाले questions है कि हमको ऐसा लगता है कि ये questions इस concept से बन जाना चाहिए, लेकिन वो actually में उसके होते नहीं है। तो उस प्रकार के हम चार questions को यहाँ पे deal करेंगे, बड़े interesting questions है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्रैक्शन सच दैट नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। ठीक है, नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर को देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालेंगे और फिर बाद में टू वॉवेल्स को एक करके फिर कितने केसेस है उसको देखेंगे और फिर बाद में टोटल में से टू वॉवेल्स टुगेदर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये एक नॉर्मल सा तरीका हमारे दिमाग में फर्स्ट साइट में आता है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग बहुत करते हैं। मगर ये क्वेश्चन में खास बात क्या है कि जो वॉवेल्स है, देखो क्वेश्चन है, ये वर्ड है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में अगर आप वॉवेल्स को देखेंगे तो ये एक, ये दो और ये तीन वॉवेल्स है, जबकि वहां पे नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर इसकी बात की है। तो फिर अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ेगा, जब तीन वॉवेल्स है और फिर ये जो 1 2 3 4 5 कंसोनेंट है और तीन वॉवेल्स है, और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, तो ये क्वेश्चन गैप मेथड का क्वेश्चन है। तो हमको इसमें गैप मेथड यूज़ करना पड़ेगा। गैप मेथड यूज करने के लिए रेस्ट्रिक्शन किस पे नहीं है, कंसोनेंट पे नहीं है, फाइव कंसोनेंट को पहले अरेंज कर लो। अरेंज कर लिया फाइव फैक्टोरियल बेस में, फाइव कंसोनेंट आ गए। और अब इनके जो गैप्स बने हुए हैं, ये जो गैप्स बने हैं, इन गैप्स में आप कंसोनेंट को बिठा देंगे तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो कितने गैप्स है, 1 2 3 4 5 6, तो पहले आप 6 में से 3 गैप्स को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर 3 वॉवेल्स को अरेंज कर दीजिए। 3 वॉवेल्स डिस्टिंक्ट है, 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, फाइव फैक्टोरियल किसके लिए, कंसोनेंट को अरेंज किया, पहले उनको अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद में ये जो गैप्स है उन गैप्स में हम वॉवेल्स को बिठा सकते हैं सो दैट ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, करेक्ट। तो गैप्स कितने बने, 6 में से 3 गैप्स को सिलेक्ट किया और फिर उसमें 3 वॉवेल्स को अरेंज किया। अरेंज 3 फैक्टोरियल वेज में होगा, सिलेक्शन 6 से 3 वेज में होगा, तीनों के तीनों वॉवेल डिस्टिंक्ट है इसलिए अरेंज 3 फैक्टोरियल होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, फाइंड दी रेंज ऑफ द फंक्शन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 sec² x। अब इसका रेंज कैसे निकालें, तो रेंज निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं अलग अलग क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम रेंज निकालते हैं। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन फिर कन्फ्यूज करेगा कि आखिर इसका रेंज कैसे निकालें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है। लेकिन इसका जो पैटर्न दिख रहा है वो देखो कैसा है, पैटर्न ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस 4 sec² x। सेक स्क्वेयर एक्स को मैं ऐसे लिख दूंगा और जैसे मैं कॉस स्क्वेयर एक्स प्लस 4 cos² x दिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके am ग्रेटर देन इक्वल टू gm का कॉन्सेप्ट आता है और हम वहाँ पे फंस जाएंगे। अगर मैं am ग्रेटर देन gm लगाया, am greater than equal to gm के कॉन्सेप्ट में ये बन जाएगा cos² x प्लस 4 cos² x डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू cos² x 4 cos² x की पावर 1/2। तो cos² x प्लस 4 cos² x बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और ये 2 इधर आ गया तो ये 4, तो आपको रेंज दिख जाएगी 4 to infinity। लेकिन ये आंसर रॉन्ग है, ये आंसर रॉन्ग है। अब मुझे बताओ कि ये आंसर रॉन्ग क्यों है। देखो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm हम तभी लगाते हैं, करेक्ट, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm हम तभी लगाते। देखो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm के ऊपर हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस का पैटर्न है ना उसको देखने से एकदम आइडिया जाता है कि यार कहीं ना कहीं ये am ग्रेटर देन इक्वल टू gm में हो सकता है। तो ये रॉन्ग इसीलिए क्योंकि am ग्रेटर देन इक्वल टू gm तभी लगाते हैं
जब क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स जीरो हो सकता है, तो फोर बाई कॉस स्क्वायर एक्स डिफाइंड ही नहीं है, कॉस की कॉस स्क्वायर एक्स जीरो हो सकता है, इसलिए ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम देखता है कि यहाँ पे हम लगा सकते हैं आसानी से और ये आंसर भी आ सकता है ऐसा सोचते हैं, मगर ये ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम यहाँ लगेगा ही नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि क्वांटिटी पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव और जीरो है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज है, बिकॉज ऑफ दैट हम वो नहीं लगा सकते। तो फिर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये बनेगा कॉस की पावर फोर एक्स प्लस फोर बाई कॉस स्क्वेयर एक्स। अब आपको ये क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के कॉन्सेप्ट से बनेगी, ये भी एक तरीका होता है जब हम रेंज निकालते हैं किसी फंक्शन का। तो देखो कॉस स्क्वेयर एक्स जीरो हो सकता है या फिर वन हो सकता है, मतलब कॉस स्क्वेयर एक्स तो जीरो और वन के बीच में रहेगा, ठीक है। अब जीरो और वन के बीच में तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये तो मिनिमम वैल्यू होगी और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो इतना आइडिया आने में इतना आसान नहीं है कि ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आइडिया दे रहा है, जो मैंने इस क्वेश्चन को डील किया है इसलिए किया है क्योंकि ये क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं, थोड़े से एक लेवल या दो लेवल ऊपर होते हैं, नॉर्मल जितने भी हम क्वेश्चंस करते हैं जब हम स्टडी करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, जब कॉस स्क्वायर एक्स मैक्सिमम होगा, करेक्ट, तभी ये मिनिमम होगा, दिस इज मैक्सिमम, देन ओनली एफ ऑफ एक्स ये मिनिमम होगा, करेक्ट, तो इसीलिए एफ ऑफ एक्स मिनिमम निकल जाएगा, इसको मैक्सिमम कर दो तो वन हो जाएगा ये, तो ये वन की पावर फोर प्लस फोर डिवाइडेड बाय वन, वन प्लस फोर डिवाइडेड बाय वन मतलब फाइव, तो ये इसकी वैल्यू मिनिमम फाइव आ गई, और आपको मैक्सिमम अब आपको पता चल ही गया है कि कॉस स्क्वायर एक्स जीरो और वन के बीच में होगा, जीरो तो होगा ही नहीं, तो जीरो और वन के बीच में होगा, तो फिर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी की ओर जाएगी, ये जैसे जैसे ये कम होते जाएगा ये पूरा वैल्यू मैक्सिमम होते जाएगा, तो इसीलिए इसका रेंज जो होगा वो होगा फाइव टू इन्फिनिटी, है क्या बस वन में, इसको मैक्सिमम करो तो ये पूरा मिनिमम हो जाएगा, इसको मिनिमम करो तो ये पूरी वैल्यू, ये जो पूरा एफेक्ट है वो मैक्सिमम जाएगा, तो ये इन्फिनिटी की ओर जाएगा और इसका मिनिमम वैल्यू फाइव होगा। आई होप दैट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये थर्ड क्वेश्चन हमको यहाँ पे डोमेन निकालना है, इसके पहले हमने रेंज वाला प्रॉब्लम किया था, डोमेन निकालना है, लेकिन फंक्शन देखो इसमें लॉग फंक्शन भी है, मॉडुलस फंक्शन भी है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, एक्स प्लस वन बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर में है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू मॉडुलस फंक्शन में, मॉडुलस फंक्शन का हम ये लॉग ले रहे हैं, तो अब यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो क्वाइट कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन, और जब ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है डोमेन में तो फिर तो आपको इनइक्वालिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की इनइक्वालिटी मालूम होनी चाहिए। तो देखो ये इंटीजर वैल्यू ले रहा है, पहली बात इसको देखते हैं, ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं होता, लॉग डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं, अगर पॉजिटिव है तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, तो लॉग तो वहाँ डिफाइंड हो जाएगा, लॉग सिर्फ एक ही जगह पर डिफाइंड नहीं होगा जब ये जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू टू एंड एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन, तो एक तो ये बात कि x कभी भी 2 नहीं हो सकता और x कभी भी माइनस वन नहीं हो सकता, x तो माइनस वन होने का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि ये अगर माइनस वन बाई टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो ये माइनस वन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब अब हम इसको देख रहे हैं कि बॉक्स ऑफ x प्लस वन बाई टू, तो बॉक्स ऑफ x प्लस वन बाई टू ये जीरो नहीं हो सकता, ये वन भी नहीं हो सकता, ठीक है, लॉग जीरो डिफाइंड, बेस जीरो नहीं हो सकता, बेस वन भी नहीं हो सकता, और ये तो हमेशा इंटीजर ही आना चाहिए, तो बेस में अब क्या हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है,
फोर हो सकते, नेगेटिव हो नहीं सकते। तो इसका मतलब ये जो बॉक्स x प्लस वन बाई टू है वो टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, लाइक दैट। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि बॉक्स ऑफ x प्लस वन बाई टू अगर टू है तो इसका ये मतलब हो गया कि ये टू और थ्री के बीच में x प्लस वन बाई टू नहीं रहना चाहिए। तो टू माइनस वन बाई टू, फोर माइनस वन, मतलब ये थ्री बाई टू, एक्स थ्री माइनस वन बाई टू, थ्री माइनस वन बाई टू, तीन दूनी सिक्स, मतलब फाइव बाई टू। तो एक्स यहाँ पे मिनिमम एक्स क्या है, थ्री बाई टू से लेके फाइव बाई टू के बीच में, मतलब वन पॉइंट फाइव लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन टू पॉइंट फाइव। और फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आगे की एक्स की वैल्यूज ही आएगी, इससे आगे ही आएगी। तो इसका मतलब आपका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, 1.5 इंक्लूडेड है, मतलब 3 बाई टू से लेके इन्फिनिटी तक, इसके अकॉर्डिंग 3 बाई टू से लेके इन्फिनिटी तक के। लेकिन 3 बाई टू मतलब 1.5 और x क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, इसलिए 2 को हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये आ गया इसका डोमेन। क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। और ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि लेट एक्स इज अ सेट ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर पेयर वाई कॉमा जेड दैट कैन बी फॉर्म सच दैट वाई इज अ सबसेट ऑफ एक्स, एक्स जेड इज अ सबसेट ऑफ एक्स एंड वाई इंटरसेक्शन जेड इज एम्प्टी। देखो एक्स और वाई दोनों ना, y और z दोनों इस सेट से आ रहे हैं, ठीक है, और y इंटरसेक्शन z एम्प्टी होना चाहिए। तो मान ले जाए कोई एक एलिमेंट ले लिया मैंने, लेट a बिलोंग्स टू सेट x, सेट x में से ये सेट आ रहे, सबसेट है y सबसेट ऑफ x, तो ये बड़ा कंफ्यूज करता है ना, कि सबसेट में तो फिर दो दो एलिमेंट्स, तीन तीन एलिमेंट्स, इस प्रकार के सेट भी हो सकते हैं। हाँ तो हम एक ही से बात करते हैं ना कि लेट ए बिलोंग्स टू एक्स, अगर एक्स से ये आ रहा है तो यहाँ पे तीन केसेस होंगे। केस वन, अगर ए वाई में है तो ए जेड में नहीं होना चाहिए, तभी वाई इंटरसेक्शन जेड एम्प्टी होगा। केस टू, ए अगर वाई में नहीं है तो ए जेड में होना चाहिए, तब भी ये एम्प्टी होगा। और केस थ्री होगा, ए वाई में भी नहीं होना चाहिए और ये जेड में भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये तीन केसेस बनेंगे, तभी वाई इंटरसेक्शन जेड एम्प्टी आएगा। मतलब ये जो एक एलिमेंट ए है इसके पास में थ्री चॉइसेस है। इसका क्या मतलब हुआ, ए हैज थ्री चॉइसेस, है ना। अब आपके पास में ये वन है, इसके पास में भी थ्री चॉइसेस होंगे, इसके पास में भी थ्री चॉइसेस होंगे, इसके पास में भी, इसके पास में भी, और इसके पास में भी। इसलिए जो डिफरेंट ऑर्डर पेयर होंगे वो टोटल थ्री की पावर फाइव हो जाएगी, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, ये आंसर होगा। तो इसका जो लैंग्वेज है ना वो समझ में नहीं आता है, तो इसलिए ये क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।